5.5। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल्स टू यस x होल टू द पावर cos x। तो आप देखो ये भी वेरिएबल है और इसका पावर भी वेरिएबल है, राइट। हाँ तो पहले लॉग लेंगे, लॉग ऑफ y इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग x होल पावर कॉस एक्स, राइट। हाँ और आपको पता है कि लॉग एम टू दी पावर एन क्या होता है, एम लॉग एम, राइट। हाँ लॉग एम टू दी पावर एन ये आगे आ जाएगा, क्या हो गया, कॉस एक्स लॉग लॉग एक्स। इसमें एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे इसे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। बताइए डेरिवेटिव लॉग वाई का क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सर 1/y वन अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स। dy/dx। तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे यहाँ पर, फर्स्ट एज इट इज, लॉग लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सर log 1/log x into 1/x। वेरी गुड, 1/log x इंटू 1/x और प्लस सेकंड एज इट इज, और इसका माइनस साइन एक्स, गॉट इट और नॉट। यस वाई को यहाँ पहुंचा देंगे, बस हो गया, और वाई का वैल्यू पुट कर देंगे ये वाला, ठीक है ना, इज इट क्लियर ना। यस अब कभी कभी जो है सब में आ जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन नंबर 9 देखें, वाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। अभी जो बीच में प्लस माइनस होता है तो डायरेक्ट लॉग नहीं लेते, पता है ना आपको, उसे यू से भी मानेंगे, ठीक है ना, लेट किया है, राइट। इज इट क्लियर ना। अभी जो है डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स, राइट। हाँ इसे इक्वेशन वन मान लेंगे। नाउ यू इक्वल टू जो एज्यूम किया था हमने एक्स टू दी पावर साइन एक्स, अब यहाँ लॉग लेंगे, याद आया कि नहीं, यस हाँ याद है। इसको आगे ले जाएंगे तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ये लॉग वाई, गॉट इट और नॉट। प्रोडक्ट यस सर रूल अप्लाई कर देंगे, वन अपॉन यू डी यू ओवर डी एक्स, राइट, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, राइट। सो डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू यू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, राइट। और यस इसको कर देंगे एक्स टू द पावर साइन एक्स, बाकी सेम, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी यू ओवर डी एक्स, ये वाला वैल्यू, ठीक है ना। यस सर ऐसे जो है इसको फाइंड कर लेंगे, कर लोगे ना, हाँ सर सर वही तो सेम, अब लॉग भी लगाना पड़ेगा इस पर, यस यस। उसके बाद को इक्वेट कर देंगे जब उसका आंसर आ जाएगा बिल्कुल, सर। इसमें वैसे सिंपलीफाई भी करना पड़ता है। इक्विट क्या करें, कुछ इक्विट करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू पुट कर देनी है सीधी, बस कुछ नहीं करना उसके बाद, हाँ वही सर, मतलब इसमें फिर इसके बाद सिंपलीफाई भी करना पड़ेगा कोई नहीं करेंगे इसे, इसमें जरूरत ही नहीं है कुछ, नहीं आगे नहीं करते हैं। सर, क्योंकि DU/DX और DV/DX भी आएगा, तो फिर भाई पूछ रही थी कि इसमें कोई नहीं प्लस करेंगे, भी है बीच में। एज इट इज पुट करेंगे, अच्छा ठीक है पुट करने के बाद सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सर, एक मैं नोट कर लूँ। यस।
क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करेंगे देखें, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 1। यहां भी देखो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है और सेकंड में भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, तो लॉग तो लेना होगा लेकिन बीच में प्लस है ना, इस वजह से ले सकते राइट। यस सर। अभी क्या करना पड़ेगा, u प्लस v एज करना पड़ेगा राइट, इसको इज इट क्लियर। यस सर। तो डी यू और जो है डेरिवेटिव करेंगे इसके जस्ट बाद, पता है ना आपको, देखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बताइए क्या हो जाएगा, यू का होगा डी यू ओवर डी एक्स, वी का होगा डी वी ओवर डी एक्स और वन का हो जाएगा जीरो। नाउ यू इक्वल्स टू एक्स टू द पावर वाई, लॉग यू इक्वल्स टू वाई आ जाएगा आगे, लॉग एक्स वन अपॉन यू डी यू ओवर डी एक्स प्लस, सॉरी अभी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे फर्स्ट और सेकंड मान के ठीक है ना, y एज इट इज वन अपॉन x सेकंड का डेरिवेटिव log x का ठीक है ना, सेकंड एज इट इज और इसका डेरिवेटिव dy ओवर dx राइट। सो डी यू ओवर डी एक्स इक्वल्स टू यू को यहाँ पहुंचा के u की वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली ठीक है ना, x टू द पावर y और y अपॉन x, तो y इनटू 1 बाय x कैसे हुआ, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया ना, फर्स्ट एज इट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज। अच्छा हां ठीक है समझ गया, लॉग एक्स बी वाई ओवर डी एक्स, इज इट क्लियर ना। हां सर। इसे ही कैसे वन मान लेते हैं, आप बताइए आगे, अगेन बी को एज्यूम किया मैंने, बी इक्वल्स टू कितना y टू दी पावर x log v इक्वल्स टू x log y राइट, log लेके x आ गया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो x राइट, सो दिस विल बी 1 अपॉन v dv ओवर dx इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे यहां पर, इसे फर्स्ट इसे सेकंड एज इन करेंगे, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव राइट प्लस सेकंड एज इट इज और x का डेरिवेटिव वन होगा राइट, उसके बाद v को यहाँ पहुंचा के v की वैल्यू पुट कर देंगे dv ओवर dx इक्वल्स टू y टू द पावर x x अपॉन y dy ओवर dx प्लस log y, इज इट क्लियर। यस सर। फ्रॉम इक्वेशन वन, अब वन में जो है वैल्यूज पुट कर देंगे एक ये वाली और एक ये राइट यहाँ पर, हाँ हाँ लेकिन यहाँ पर जो है डी डी एक्स और वाई हमें कॉमन लेना पड़ेगा, समझी मेरी बात नहीं, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आगे, यानी कि ये हो जाएगा एक्स टू द पावर वाई, अभी यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर दें जो कि ये, यस ये हो जाएगा एक्स टू द पावर वाई y upon x plus log x dy over dx और इसे शॉर्ट में लिख दो y dash ठीक है, बार बार लिखना पड़ेगा ना, इसे लिख दो y dash plus y to the power x x upon y और dy over dx लिख दिया हमने y dash right plus yes sir log y equals to zero क्लियर। अभी क्या yes, इनका मल्टीप्लाई कर देना अंदर, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा x टू द पावर y माइनस वन, आपको समझ आया कि नहीं, देखो x की पावर y है ना यहाँ पर, इसकी पावर x की पावर वन है, तो वन पावर y में से माइनस होगी कि नहीं, बेस सेम है तो और इनटू y, गॉट इट और नॉट। यस सर। पावर वाई लॉग एक्स वाई डैश प्लस, कैसे यहाँ की मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर वन है और इसकी पावर एक्स है राइट, यस सर, ऐसे ही होगा वाई टू द पावर कितना एक्स माइनस वन इंटू एक्स राइट इंटू वाई डैश प्लस वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई इक्वल्स टू जीरो। ये बात आपको समझ में आ गई। अभी क्या करना है, जिनमें डी डी एक्स और वाई है
नहीं द टर्म्स इन्वॉल्विंग डी डी एक्स ऑफ वाई ये कीपिंग दीज टू टर्म्स ऑन वन साइड राइट एंड अदर टर्म यू ट्रांसफर कर देंगे राइट हाँ हाँ इसके बाद y डैश कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे बाद को गॉट इट और नॉट यस सर मेरी बात नहीं इसको यहाँ पहुंचा देंगे इसको भी राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे और यहाँ से y डैश कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे राइट तो आंसर आ जाएगा क्लियर हाँ 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 यस अब जो है मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं उसे आपको करना है ठीक है क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है ये पी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स थ्री माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस सिक्स एक्स और आपके पास टाइम है 2 मिनट्स का राइट अच्छा देखो इसमें शेयर हुई हाँ सर सर वही है वाइट बोर्ड अच्छा देखो टाइम आपको दिख रहा है स्टॉपवॉच नहीं सर स्टॉपवॉच नहीं दिख रही है नहीं स्टॉपवॉच नहीं दिख रही है आपको देखो आप दिखी सर अभी भी आपका वाइट बोर्ड ही है मतलब जिस पे आपने क्वेश्चन लिखा हुआ है ओके तो ये कैसे होगा सर इस क्वेश्चन में मतलब एक्स ये पूरा होगा अभी आपको दिमाग लगाना है कैसे करेंगे ठीक है सर पहले सिंपलीफाई करेंगे ना अक्षता ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको अच्छा बताइए टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है क्या होता है tan इनवर्स x का याद है पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का याद नहीं क्लास लेनी पड़ेगी ज्यादा अभी अभी क्लास हाँ सर ठीक है क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत गैप आ रहा है अभी सेकंड चैप्टर करा चुके हैं आपको सर कौन सा वाला सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हाँ सर का फर्स्ट जो आ रहा है वो तो करवा दिया आपने अच्छा नहीं अगली एक्सरसाइज नहीं कराई थी नहीं सर उसमें के बाद हमारा मेरा पेपर था ना तो हमने फिर पीछे छोड़ दिया था फिर इसलिए देखो ये जो है फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई राइट अगर यहाँ प्लस होता है तो ऊपर प्लस हो जाएगा नीचे माइनस हो जाएगा गॉट इट और नॉट ओके सर समझना हम इसे कैसे लिख सकते हैं इसे आप लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स थ्री माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस थ्री इंटू टू एक्स 6x को लिख दिया हमने ब्रेक करके राइट आप देखो इससे कंपेयर करो इसे x के प्लेस पर y के प्लेस पर 2x है कि नहीं सेम है कि नहीं पैटर्न यस सर सेम इसे क्या लिख सकते हैं आप सर tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2x tan इनवर्स 2x वेरी गुड 2x अब इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स 3 कांस्टेंट है कि नहीं बताइए
हाँ सर है, तो ये जीरो हो जाएगा राइट, जीरो हो जाएगा। वन प्लस टू एक्स स्क्वायर राइट, हाँ और इंटू टू, तो टू एक्स को हमने एक्स माना था राइट, टेबल लगाया कितना हो गया माइनस टू अपॉन वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर। आपको समझ में आ गई? यस आ गई। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ, ये वो पीछे वाला क्वेश्चन नोट कर लेते हो, टेन इनवर्स रूट ए, अभी दिखा रहा हूँ एक मिनट, माइनस रूट एक्स अपॉन वन प्लस रूट ए एक्स, कर लोगे ऐसे? तो ये तो सेम ही करना होगा ना। यस इसमें तो जैसा तो पहले इसमें थोड़ा सा इसको सिक्स एक्स को ऐसे टाइप में दिया था, बट अब इसमें से बस सीधा फॉर्मूला ही डाल दी वो वाला। क्या बताया क्या तो मैं गई थी इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन में से आपने सिक्स एक्स दिया था, वो आपने मल्टीप्लाई में लिखा था थ्री इंटू टू एक्स में। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने वैसे ही दे दिया, मतलब बिना मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में दे दिया आपने। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है, इसे भी लिख दें आप, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये सेकंड चैप्टर के फॉर्मूले हैं जो यूज करते हैं, इन्हें आप अभी याद करेंगे, माइनस अगर होता है तो ये माइनस लगा देते हैं राइट, इसे नोट कर लेना। एक होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू वाई माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है राइट। हाँ नोट कर लियो, एक मिनट सर। हाँ सर कर लिया, ये नोट कर लो, ये कर लोगे आप इजीली। ठीक है ना, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस फिफ्टीन एक्स स्क्वायर, इसे कर लेंगे। हाँ सर, इसको तो उसी फॉर्मेट में दिया है जो टैन उसमें जो देते हैं। फॉर्मेट क्या होगी इसकी? सही है, आपने टैन इनवर्स एक्स के फॉर्मेट में नहीं दिया।
जिसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स। इसकी फॉर्मेट क्या होगी? मतलब आपने मालूम है कि आपको टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई अगर होता है, इसे ले देते हैं हम टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, राइट? तो सही टैन इनवर्स टू एक्स होगा, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस हो जाता है तो यहाँ पर प्लस होता है, राइट? हाँ बताइए। तो टैन इनवर्स टू एक्स होगा, नहीं टू एक्स तीन भी तो है, 5x माइनस 3x 2x है कि नहीं, इसे ब्रेक कर दिया अपॉन प्लस 15x स्क्वायर, बात समझ आई कि नहीं? हाँ 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 आपने देखा ये जो है ना, ये जो है इन दोनों का प्रोडक्ट है कि नहीं बताइए। हाँ सर। और इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है? 2x के इक्वल है, राइट? जो कि ये रहा। यस सर। कर लोगे ना आगे? हाँ हाँ आगे देखें, अगर यहाँ लिखा हुआ है डी डी एक्स और मान ली है लिखा है कॉट इनवर्स 3 माइनस 2x अपॉन थ्री माइनस 2x और लिख लो आप 1 प्लस 6x, आप कैसे करेंगे? सर अब एक मिनट, देखो एक बात ध्यान रखनी है आपको कि cot इनवर्स x इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स 1 अपॉन x, राइट? या हम ये कहें cot इनवर्स a अपॉन b अगर है ना, तो ये tan इनवर्स हो जाएगा b अपॉन a, राइट? तो आप क्या करें यहाँ पर, ये बात समझ आई आपको कि नहीं? यहाँ कर लो टेन इनवर्स नहीं, ये तो हो गया था ना, ये हाँ सही तो हो गया था, ये तो हो गया था, ये तो सिंपल है क्वेश्चन, यस हो गया था। आप ऐसा कर लें, यहाँ कॉट कर लें और यहाँ कर लें 3 माइनस 2 10x अपॉन 2 प्लस 3 10x, इसे ऐसे कर लें। अब बताइए तो आप क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ इसे कर लो 10 इनवर्स और इसका कर लो रेसिप्रोकल 2 प्लस 3 10x अपॉन 3 माइनस 2 10x, राइट? हेलो, यस सर। अब देखो यहाँ पर जो फॉर्मूले में यहाँ वन होता है कि नहीं, अगर हम जो है इसको इस तरह से बनाएं तो यहाँ वन होता है, तो हमें इसको वन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाई 3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, पता नहीं क्यों किया हमने, डिवाइडिंग बाई 3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, गॉट इट और नॉट? यस सर। ये वन बनाने के लिए, राइट? तो हो जाएगा ये 10 इनवर्स 2 बाई 3 प्लस 10 इनवर्स x अपॉन 1 माइनस 2 बाई 3 टेन इनवर्स एक्स, ये बात समझ में आई आपको कि नहीं बताइए? हाँ सर आगे। अब ये लिख सकते हैं हम इसको जैसे ये वाला फॉर्मूला बनेगा कि नहीं सेम? हाँ। इसे क्या लिख सकते हैं आप, टेन इनवर्स 2 बाई 3
यस और नो? यस सर। माइनस टेन इनवर्स टेन एक्स राइट। बताइए। हाँ सर। अभी देखो, अभी जो है अगर सॉल्व करेंगे इसे, हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, पहले वाई ले लेते हैं, हमने जो सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई किया है वो क्या कितना आया बताइए, सिंप्लीफाई करें कितना आया है, वाई इक्वल्स टू या डेरिवेटिव भी आया सीधे वाई का है नहीं, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स टू बाई थ्री माइनस टेन इनवर्स टेन एक्स। अब मुझे बताओ क्या करें आप इसमें, डी डी एक्स जो है दोनों के लिए सेपरेट कर सकते हैं राइट, आरुषि? हाँ। इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है क्योंकि, यस सर। ठीक है ना, ये तो जीरो आ गया राइट, माइनस। यहां बताइए इसमें क्या करें, डी डी एक्स ऑफ, देखो टेन इनवर्स टेन एक्स ये होता है एक्स के इक्वल राइट, ऐसे साइन इनवर्स साइन एक्स बताया था हमने आपको पहले, तो एक्स हो जाएगा ये, ठीक है, तो एक्स का डेरिवेटिव होगा वन, तो माइनस वन आंसर हो गया, इज इट क्लियर? यस सर। तो एक बार नोट करने दे दो पीछे से। यस। अच्छा इसके बाद मीटिंग रीजॉइन कर लेना, ठीक है, आफ्टर फाइव मिनट्स इट विल बी एंडिंग।